कांग्रेस के सिंधिया समर्थक बदनावर विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम का बड़ा बयान आया। श्री दत्तीगांव गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। गत 15 वर्षों में लगातार भाजपा को सहयोग कर कांग्रेस के साथ धोखा देते आए हैं, फिर भी पार्टी ने उन्हें बदनावर उम्मीदवार बनाकर विधायक बनाया। सिंधिया जी व दत्तीगांव जी के भाजपा में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके जाने से जिले में कांग्रेस और मजबूत होगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने बदनावर विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने जिला पंचायत में तथा विधानसभा चुनाव में धार सीट पर भाजपा के पक्ष में प्रचार कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। इनके जाने से अब धार में कांग्रेस और मजबूत होगी। धार व बदनावर में कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़े हैं। उनके त्याग पर दिनेश को फर्क नहीं पड़ेगा, सिंधिया जी के विजय इतिहास को फर्क नहीं पड़ना है। धार जिले में और बदनावर में इनके जाने से और भी कांग्रेस मजबूत होगी। आप पिछला इतिहास उठा करके देख लीजिए, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने 2005 में जिला पंचायत के चुनाव में इन्होंने फर्जी काम करके, फर्जी पट्टे लगा करके 5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी से मिले और इनकी आदत ठेठ से बिकना है। दत्तीगांव पल पल में गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं और दत्तीगांव बिकाऊ आइटम है। शो करवाया, हर नकली पट्टे बांधे और पट्टे बांधने के बाद भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सावित्री ठाकुर को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। इन्होंने 2005 में भारतीय जनता पार्टी से सौदा करके और कांग्रेस की जिला पंचायत बनने जा रही थी, इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। जिस प्रकार से ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जिला कौन चला रहा है, जिला माफिया चला रहा है, चला रहा है, वो चला रहा है, मैंने इसके प्रमाण पिछले 5 सालों से इन्होंने सिंडिकेट से शराब माफियाओं की किसी मदद की है और कितने रुपए इन्होंने हर महीने लिए हैं वो सारा रिकॉर्ड मैंने सीएम साहब को दे रखा है। और अगर वो चैलेंज करता है तो मैं सार्वजनिक करने के लिए तैयार हूं, मुझे चैलेंज करें। दत्तीगांव यहां पर 6 सीट हम कांग्रेस के लेके आए हैं, 7वीं सीट भी आ रही थी लेकिन ये दत्तीगांव वगैरह ने यहां पर सेबोडेस किया, बहुत कम बोडे से हम यहां से हारे, हमारा 7 के 60 सीट हमारी यहां आती। वो मुझे बता दे, वो बीजेपी से जुड़ करके 15 साल से धार के अंदर चल रहे हैं, ये सबको मालूम है। ठीक, उपमड़ा कि बुआ जी का भतीजा है इसलिए मंत्री बन गया, प्रताप सिंह बघेल मंत्री का बेटा है इसलिए मंत्री बन गया, इसलिए मंत्री नहीं भैया। भैया आपके नेता ने आपका नाम नहीं दिया, आपके नेता ने जिसका नाम दिया वो यहाँ पर मंत्री बना। आदिवासी विधायकों को कि बहादुर है, वो लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के टिकट भी जीते हैं, कांग्रेस के लड़ रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। दबंग न्यूज के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।